So hello friends, in today's video we are going to see that how distribution system can be classified. Basically previous video में हमने देखा था कि distribution system क्या रहती है, उसके elements क्या है. Basically हमने feeder, distributor और service mesh के बारे में discuss किया था. In this video we are going to discuss that how a distribution system can be classified and what are the different categories in which we can put some distribution system. So let us start today's video. See, if you want to see the classification of distribution system, we need to understand that what are the different categories that we have. So first thing that we based on which we can classify the distribution system is nature of current. So based on the nature of current, we can classify our distribution system into AC distribution and DC distribution. सो बेसिकली अगर हम देखने जाए इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो एसी डिस्ट्रीब्यूशन है. अब एसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि जनरली जो हमारे जो लोड रहते हैं वो एसी में रहते हैं, हमारा जो जनरेशन जो भी होता है वो भी एसी में होता है, ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो भी एसी में हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है वो भी मोस्टली एसी में ही हो रहा है. डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमको पड़ती है जब जब हमारे पास कुछ ऐसे लोड्स है, जैसे हमारे पास डीसी मोटर्स हो गए, ठीक है, या तो फिर कोई ऐसे लोड्स है जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैटरी स्टोरेज रहता है, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के टाइम पे भी उसको जो है बैटरी स्टोर ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ पे भी उनको जो है वो डीसी पावर की ज़रूरत रहती है, तो उस टाइम पे भी हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो जनरली जो रहता है वो एसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, बट स्पेसिफिक जगहों पे हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो देख सकते हैं, ठीक है. सेकंड क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन. सो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन वी हैव टू स्कीम्स, वन दैट वी जनरली यूज, दैट इज ओवरहेड ट्रांसमिशन और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, एंड सेकेंडली दैट वी हैव इज अंडरग्राउंड. नाउ इन इंडिया वी नो दैट वी जनरली यूज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जनरली जो हमारे कंडक्टर्स है वो पोल के साथ, पोल के सपोर्ट में जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम देख सकते हैं. उसके बाद जो हमारा थर्ड कैटेगरी बन जाता है, दैट इज़ द स्कीम ऑफ कनेक्शन. सो इन स्कीम ऑफ कनेक्शन बेसिकली जो हमारा कनेक्शन रहता है उसमें भी अगर हम कैटेगरी देखने जाए तो एक होता है रेडियल कनेक्शन, सेकंड जो रहता है दैट इज रिंग मेन, एंड थर्ड जो कैटेगरी रहती है दैट इज इंटरकनेक्टेड. नाउ वी विल गो थ्रू दिस ऑल द व्हाट इज रेडियल कनेक्शन, व्हाट इज रिंग मेन कनेक्शन एंड व्हाट इज इंटरकनेक्टेड कनेक्शन इन फॉर द वीडियोस, बट बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द स्कीम ऑफ कनेक्शन वी हैव दिस थ्री कैटेगरीज इन विच वी कैन यू नो पुट अवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिकॉज दैट वी हैव जनरली इन अवर हाउसेस, राइट. एसी डिस्ट्रीब्यूशन it can be broadly, you know, if you want to divide AC distribution, that we know that we have a primary distribution system and secondly we have secondary distribution system, right. So primary distribution system jo rehti hai wo compared to secondary distribution system uska jo voltage level rehta hai wo high rehta hai. It could be 11 kv, it could be 11 kv, 6.6 kv or 3.3 kv, theek hai. तो होता कैसे है इसकी अगर हम एक ग्राफिक देखने जाए तो मतलब देखो ये हमारा सबस्टेशन रहता है. फ्रॉम द सबस्टेशन ये जो रहता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क रहता है, ठीक है. यहाँ पे इट कुड बी, देखो ये थ्री फेस थ्री वायर स्कीम रहती है ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए, ठीक है. तो ये हमारा जो आर वाई बी है वो सबस्टेशन पर आ रहा है, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन नेटवर्क से हमारे सबस्टेशन पे जो है वो थ्री फेज थ्री वायर स्कीम में जो पावर जो है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के थ्रू पहुंचता है, ठीक है. और इट कुड बी 66 kV, मोस्टली जनरली वी हैव 66 kV सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सबस्टेशन रहता है उसको हम स्टेप डाउन करते हैं 66 to 11 kV पे, ठीक है. तो यहाँ से फिर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि फीडर जो कि निकलते हैं, ठीक है, तो ये जो रहते हैं वो 11 kV पे मोस्टली वर्क करते हैं. और यहाँ से हमारा जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टार्ट होता है, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में वी मे हैव लार्ज कंडक्टर्स, ठीक है, वी मे हैव सम लार्ज इंडस्ट्रीज दैट कैन दैट नीड 11 kV, लार्ज और बिग कंज्यूमर्स वी कैन से सम फैक्ट्रीज, और वी मे हैव डिफरेंट सबस्टेशन ऑल्सो दैट इज़ कनेक्टेड, ठीक है. तो ये जो है वो 11 kV या तो 6.6 kV या तो 3.3 kV पे वर्क करता है, और जनरली जो वोल्टेज रहता है जो कि मोस्टली यूज़ होता है दैट इज़ 11 kV.
तो ये जो है हमारा प्राइमरी एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज ऑफ थ्री फेज थ्री वायर स्कीम। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट, तो दैट बेसिकली ऑपरेट्स ऑन 415 वोल्ट और 230 वोल्ट। एंड दिस 415 इज़ बेसिकली फॉर थ्री फेज एंड 230 इज़ बेसिकली फॉर सिंगल फेज वोल्ट। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द फिगर फॉर इट, वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, राइट, वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर दैट इज बेसिकली डेल्टा टू स्टार, राइट, डेल्टा टू स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वी हैव। तो यहाँ पे जो है हमारा थ्री फेज थ्री वायर स्कीम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो यहाँ से हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारा थ्री फेज थ्री वायर स्कीम आ रहा है, दैट इज़ मे बी ऑफ 11 kV और 6.6 kV और 3.3 kV। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है वो क्या कर रहा है, उसको स्टेप डाउन कर रहा है। स्टेप डाउन कहाँ से कर रहा है, 11 kV से 415 वोल्ट पे कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर है वहाँ से बेसिकली हमारा जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, दैट इज ऑफ थ्री फेज फोर वायर। तो ये जो फोर्थ वायर है दैट इज़ बेसिकली न्यूट्रल वायर, ठीक है, और ये जो रहता है आर वाई बी, जो हमारे तीन फेज है वो रहते हैं। और मेन जो चीज़ है वो यहाँ से हमारा जो डोमेस्टिक लोड है वो फीड होता है। तो अगर मान लो कि ये कोई हाउस वन है, ठीक है, वो सिंगल फेज पावर उसको चाहिए, तो हम कोई एक फेज़ उसको दे देते हैं और एक जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हाउस टू है तो हाउस टू को भी कोई यहाँ से अगर वाई फेस दे दे और दूसरा जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दे। ठीक है, फिर हाउस थ्री है और उसको मान लो कि थ्री फेस कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको थ्री फेस कनेक्शन दे देते हैं और उसको न्यूट्रल के साथ भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है। एंड बेसिकली जो नॉर्मली हमारे घर पे रहता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमारे घर पे जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें पूछ सकते हैं कि क्यू जो है वो डेल्टा टू स्टार रहता है। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर किस कौन 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 सी चीज़ को कनेक्ट करता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है हमारा थ्री फेज थ्री वायर रहता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा थ्री फेज फोर वायर रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा टू स्टार कनेक्शन जो है वो हम करते हैं, क्योंकि अगर स्टार में हम देखने जाए तो हमारा ये आर वाई बी और एक न्यूट्रल पॉइंट भी हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम उसको फोर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जो ये न्यूट्रल वायर है वो खास तौर पे जो अनलोडिंग कंडीशन होती है, अनबैलेंस लोडिंग कंडीशन रहती है, उसकी वजह से जो हमारा न्यूट्रल जो है वो खास तर यूज़ होता है, ताकि कोई डैमेज ना हो सके, कोई जो लोड और फ्रीक्वेंसी है हमारे उस पर कोई चेंजेस ना आ सके। तो उसके लिए क्या होता है, जो एक्सेस पावर होता है वो न्यूट्रल के थ्रू जो है वो वापस सेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ये जो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वो डेल्टा टू स्टार रहता है। सेकेंड थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इज वॉट इज़ द प्रिफर्ड वायर स्कीम फॉर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उसमें हम बोल सकते हैं थ्री फेज फोर वायर जो है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पे जो है वो थ्री फेज थ्री वायर स्कीम जो है वो मोस्टली यूज़ होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर ले, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, तो खास तौर पे जो डीसी लोड्स है, जैसे कि कोई जगह पे कोई इंडस्ट्री है जिसपे सबसे ज़्यादा डीसी मोटर्स यूज़ होती है, सेकेंडली कोई इलेक्ट्रोकेमिकल कंपनी है वहाँ पे बैटरी सबसे ज़्यादा होती है और जो पावर स्टोरेज है वो बैटरी के थ्रू ज़्यादा रहता है, तो उनको चार्ज करने के लिए, उसको फिट करने के लिए, और ऐसे जो लोड्स है, जो हैवी लोड्स है जो डीसी पे ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए जो है डीसी पावर नेसेसरी रहता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज पे हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो खास तौर पे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देखने जाए तो वहाँ पे जो पार्ट इन्वॉल्व रहता है, वी मोस्टली हैव टू स्कीम्स इन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इज़ फर्स्ट इज़ टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड इज़ थ्री वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो चीज़ रहती है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में। टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो वहाँ पे क्या रहता है कि एक जो वायर होता है वो हमारा पॉजिटिव रहता है,
सेकंड जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है दोनों दोनों ही कंडक्टर्स के बीच में, वो वोल्टेज वी रहता है कॉमन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। एंड यहाँ पे जो ये ऑन गोइंग वायर भी इसको बोल सकते हैं, या तो पॉजिटिव वायर भी बोल सकते हैं, और इसको जो है वो रिवर्स या तो रिटर्न कंडक्टर भी बोल सकते हैं, या तो नेगेटिव कंडक्टर है वो भी बोल सकते हैं। थ्री वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहती है, तो वहाँ पे बेसिकली हम एक न्यूट्रल का यूज़ करते हैं। एक जो हमारा यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है हमारा वोल्टेज वी रहता है, इन दोनों के बीच में भी हमारा जो वोल्टेज जो है वी रहता है, ठीक है। और दोनों आउट गोइंग कंडक्टर्स के बीच में टू वोल्टेज रहता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी मेथड्स भी है जिसका यूज़ करके जो है हम थ्री वायर डीसी सिस्टम है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहला जो है हमारे पास जो है वो हम टू जनरेटर मेथड है। तो इसमें क्या रहता है, वी आर यूजिंग टू जनरेटर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। और तो इस तरह से जो है हम थ्री वायर डीसी टू जनरेटर मेथड का यूज़ करके थ्री वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा थ्री वायर डीसी जनरेटर भी रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा इसका जो ड्रॉबैक है वो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वी हैव टू यूज़ टू जनरेटर्स, ठीक है। तो ये दो जनरेटर यूज़ करना एक ड्रॉबैक है, और वापस से अगर दो जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये डीसी जनरेटर ही है, तो दो जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो उसका ओवरकम करने के लिए, ये जो ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए हमारे पास दूसरी जो मेथड है वो है थ्री वायर डीसी डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि जो वाइंडिंग है उसको सेपरेट करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से एक ही जनरेटर में हम जो है थ्री वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। बेसिकली इन द कमिंग वीडियो वी विल सी दैट हाउ ओवरहेड सिस्टम एंड अंडरग्राउंड सिस्टम कैन हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल सी फर्दर ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक इफ यू हैव गेन समथिंग, इफ यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।